खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह आना। मतलब फजलुर जिस मदरसा जमात को रैली की शक्ल में लेकर इस्लामाबाद पहुंचे हैं, वहां तकरीरें तो हो रही हैं, पर अभी भी यह साफ नहीं हुआ है कि फजलुर रहमान इमरान खान को वापस घर कैसे भेजेंगे। अगर मार्च निकालने और जलसे करने से किसी सरकार से इस्तीफा ले लिया जाता तो दुनिया में तो इससे बड़े बड़े जलसे होते हैं, हजारों लोग या यूं कहे कि लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, पर ऐसे शांतिपूर्ण जलसों से सरकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए फजलुर दो दिन तो क्या, पूरे साल भी पेशावर रोड पर बैठे रहे, इमरान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार से इस्तीफा लेने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, तो उसकी नींद हराम करनी पड़ती है, तब जाकर परिवर्तन की उम्मीद बनती है। अब चाहे फजलुर रहमान इमरान को दो दिन का अल्टीमेटम दे या दो महीने का, उसकी तकरीरों से इमरान का इस्तीफा नहीं होगा। कल लाखों लोगों की भीड़ में जब मोदी जैसा चाहिए वजीर आजम का शोर ऊंचा हुआ तो इमरान सरकार ने तुरंत इसे लपक लिया। सरकार के तोते तोता कहानियां सुनाने आ गई। उन्होंने फिर से आरोप लगा दिया कि फजलुर रहमान भारत के हाथों में खेल रहे हैं, यह सब जमावड़ा भारत से पैसा लेकर किया गया है ताकि कश्मीर मुद्दे से ध्यान हटाया जाए। पर इनमें से कुछ सरकारी तोते यह भी फरमाते हैं कि फजलुर रहमान रो की लिस्ट में है, उनकी सुरक्षा मजबूत करने की आवश्यकता है। ऐसे में जब पाकिस्तान सरकारी भ्रमित है तो इनका अल्लाह ही मालिक है। जलसे में मौजूद लोग फजलुर रहमान की तुलना भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के कद से कर रहे हैं। उन्हें लगता है इमरान खान ने उनको जो उल्लू बनाया उसे पतंग बनाने का काम फजलुर कर सकता है, इसलिए लोग नारे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को भी मोदी जैसा वजीर आजम चाहिए। वैसे फजलुर को इस बात का एहसास हो चुका है कि उसके शांति मार्च से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए उन्होंने इमरान को सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया है कि उनके धैर्य की परीक्षा ना ली जाए। पाकिस्तान के गोरबाचेव को अपना इस्तीफा देना होगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान में कुछ बड़ा हो सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल तो पाकिस्तान की फौज पर उठ रहा है। पाकिस्तान की सत्ता की चाबी रखने वाली सेना के कमांडर अभी भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। जनरल बाजवा अज्ञातवास में रहकर खिचड़ी तैयार करने में जुटे हैं। इमरान द्वारा कई बार इमरजेंसी मीटिंग के निमंत्रण के बाद भी बाजवा ने कोई जवाब नहीं दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि फजलुर इमरान सरकार के साथ साथ पाक फौज को भी लपेटे में ले रहे हैं। उनका आरोप है कि वर्ष 2018 में इमरान खान को सत्ता में पहुंचाने में फौज ने उनका साथ दिया था। फजलुर ऐसा आरोप लगाकर प्रत्यक्ष तौर पर फौज पर भी दबाव बढ़ा रहे हैं ताकि फौज इमरान खान से इस्तीफा लेकर अपनी विश्वसनीयता बरकरार रख सके। इसके साथ ही फजलुर इस्लामाबाद के अपने धरने से भी फौज को दूर करना चाहते हैं, यानी अगर फौज मौजूद भीड़ पर कोई एक्शन लेती है तो वे यह साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि फौज और इमरान में पूरी मिलीभगत है। जनरल बाजवा उहापोह में है, वे समझ गए हैं कि इमरान सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ खिसक चुका है। उनकी फौज ने जिस व्यक्ति को वजीर आजम की गद्दी पर बैठाया था, अब उसके कारण फौज पर उंगलियां उठ रही है, इसलिए ताजा तरीन संभावना यही बन रही है कि फौज मौन रहकर तमाशा देख रही है। वह सरकार गिराने या नया वजीर आजम बनाने का जोखिम नहीं लेना चाहती है। बाजवा जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वह सब पर्दे के पीछे है, क्योंकि उनके सामने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फौज की छवि बचाने की मुश्किल भी है। कल शुक्रवार को आजादी मार्च बड़ी रैली में तब्दील हुआ तो विपक्षी दल भी मजबूती से एक मंच पर आ गए। मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और आवामी लीग के नेताओं ने भी रैली में इमरान खान के खिलाफ बिगुल बजा दिया। फजलुर रहमान ने अपने समर्थकों को कुछ बड़ा होने का इशारा करते हुए कहा कि इमरान खान चुनाव में धांधली करते हुए सत्ता में आया है, उन्हें दो दिन का वक्त देते हैं, अन्यथा वे फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। उन्होंने सेना को भी यह तय करने के लिए दो दिन का वक्त दिया है कि वह सरकार का समर्थन जारी रखना चाहेगी या फिर उसे बाहर करेगी। मतलब साफ है, इस वक्त इमरान खान सबसे बड़े सत्ता संकट से जूझ रहे हैं। यह मुसीबत उनके झूठे दावों और नया पाकिस्तान बनाने के लॉलीपॉप से पैदा हुई है। अगर इमरान सरकार को घर भेजने में फजलुर रहमान कामयाब होते हैं तो यह इमरान खान के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति होगी, पर इससे
पाकिस्तान की नीतियां या समस्याएं खत्म होगी, इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जहां लोकतंत्र नहीं होता, मदरसों और मुल्लाओं के भरोसे देश चलता हो, वहां विकास के मायने बिल्कुल अलग होते हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।